अगले कॉलर हैं मेरठ से, मंजू जी स्वागत है आपका। हाँ मैम, मैं मंजू बोल रही हूँ मेरठ से। तो जी मैम। मैम मेरी है ना, मतलब एक तो गर्दन कंपन करती है। एज कितनी है आपकी? मेरी 54 है मैम। तो ठीक है, और 23 साल में मेरी यूट्रेस वगैरह निकल गई थी, जी और क्या नाम है, कितनी थैली भी निकली हुई है मैम। तो मेरे को है ना प्रॉब्लम यह है सबसे ज्यादा कि मेरे सिर में हर समय पेन रहता है। ठीक ठीक है। है मैम। तो मैम एक मुझे घबराहट बहुत ज्यादा होती है, जैसे पेट बढ़ा के मैं कहीं जाना होता है ना, तो मैं जा नहीं पाती हूँ मैम बिल्कुल भी। ठीक है। जी हाँ देखिए, एक तो आप मूंग की दाल तो समझते ही हैं सभी महिलाएं, मूंग की दाल का प्रयोग खूब किया करें। कभी खिचड़ी के साथ, कभी उसकी दाल बना ली, कभी उसका हलवा बना लिया। बहुत सारे आइटम मूंग की दाल के, और मूंग की दाल भुनी हुई भी खा सकते हैं। किसी भी सूरत में मूंग की दाल ज़रूर खाया करें रोज़ाना, थोड़ी ज़्यादा। अब रहा दिल का मामला, और ये उम्र और दिल का कमज़ोरी और घबराहट और बेचैनी और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना या हार्ट ब्लॉकेज होना, इन सब में बड़ा आसान एक इलाज है, वो आप लेना शुरू करें और लिख लीजिए। ये आपके किचन में जो खाने का सोडा होता है, एक चुटकी लें और 2 गिलास पानी में डाल लें। अगर 2 गिलास नहीं पी सके तो 1 गिलास में ही डाल लें, और खाने का सोडा एक चुटकी पानी में मिला लें, और एक चुटकी लें नमक जैतून। नमक जैतून, ये विशेष नमक है जो नमकीन नहीं होता और देखने में नमक जैसा ही होता है, ठंडा है तो स्वाद इसका ठंडा सा है, तो ये भी डाल लें एक चुटकी उसमें पानी में, और इसे दिन में एक बार या 2 बार पी लिया करें, और कम से कम 3-4 महीने तक पिए तो आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, इनकी गर्दन में कंपन और सर में दर्द। हाँ, मैंने जवाब दिया ना कि मूंग की दाल जी कसरत से खाया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।